हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, कल एडवांस का पेपर था। आप देखो, मजेदार बात, जो पिछली क्लास में मैंने आपको वो क्वेश्चन नहीं दिया था, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हम उसका वो निकाल रहे थे, टॉपल करने वाला, ए बी लेंथ वाला। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन, मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा अभी, और पेपर देखना भी मत अभी, मतलब बट बिल्कुल उसी पे बेस्ड, सब कुछ वही करना था। मैंने ना अभी पेपर वॉज वेरी गुड, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, जैसा हम कहते हैं कि भाई हाँ आईआईटी का होता है, मतलब वो हर छोटे से छोटे कंसेप्ट पे आपको टेस्ट करते हैं कि आपको पूरी क्लैरिटी है कि नहीं है। एंड मतलब जो ऑप्शंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि भाई आप मतलब गलती कर दो उसमें। पेपर हमेशा डरावना होगा, मतलब जो फिगर्स होंगे, जो लैंग्वेज होगी, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया। तो मतलब बहुत थॉरो प्रिपरेशन चाहिए, मतलब उन्होंने जेई मेन्स चाहे इजी हो गया हो, जिसे इस साल इजी आया था, नीट बहुत इजी हो गया था, बट आईआईटी ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया, और आईआईटी कभी सिलेबस के बियॉन्ड भी नहीं गया। ये सबसे अच्छी बात है, मतलब जो सिलेबस में है उसी से ही पूछते हैं हमेशा, बट उसकी बहुत थॉरो आपको प्रिपरेशन चाहिए। मैंने अभी फ्रैंकली पेपर वन किया था, पेपर वन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है, मतलब सारा कुछ जो हमने पढ़ा हुआ है उसी पे ही बेस्ड है। पेपर टू में मैंने सुना है कि कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा था, बट अगेन मैंने अभी मतलब देखा नहीं, उसके बाद ही मैं मतलब बताऊंगा आपको पेपर टू का। अच्छा पेपर था, मतलब वेरी गुड पेपर, मतलब आप ये कह लो कि जैसे आपके जो चल रहे हैं ना टेस्ट्स, जो अलग से एडवांस वाले आपके चल रहे हैं, वैसे ही होने चाहिए, मतलब पेपर उसी से ही आपको थोड़ी फील आएगी, अदरवाइज नहीं आप हैंडल कर सकते आईआईटी का पेपर। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू बी सिलेक्टिव, और यस उज्जवल के 75% बने हैं। तो अब ये देखना है कि मतलब वो कितने अच्छे हैं, मतलब ऑब्वियसली पेपर पिछले साल से तो टफ था 100%, हाँ पेपर वन मैंने पूरा किया था सॉल्व ए टू जेड। नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि टाइम में कितने हुए, मतलब अब मेरी स्पीड और आपकी स्पीड में फर्क है, मतलब मेरी स्पीड पक्का स्लो होगी आपसे 100%, क्योंकि अब तो कंसंट्रेशन ही बड़ी मुश्किल से बनती है, मतलब गंदी आदतें पड़ गई हैं कि फोन देखी जाओ साथ में कभी कुछ, तो मतलब मैं या फॉर दैट मैटर कोई भी टीचर इज नॉट द
मतलब बेस्ट पर्सन टू कंपेयर योरसेल्फ विद. तो मतलब आपकी स्पीड ज्यादा होएगी होएगी, मतलब आप कैलकुलेशन भी फास्ट कर लोगे. तो मैं पेपर मतलब इसलिए सॉल्व करता हूँ पूरा कि मतलब एक तो ये आइडिया लगता है कि एग्जाम टाइम में मतलब जब आप कर रहे हो तो क्या क्या थॉट्स आते हैं, कैसे कैसे गलती कर सकते हो आप, है ना, वो पता चलता है. और फिर ये ऑब्वियसली देखने में कि मतलब कि कोई ऐसा कंसेप्ट जो मान लो जो कोई नया हो या कुछ ऐसा. चलो, और कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन देखो देख के फायदा नहीं होता, वो पूरा पेपर एज अ पैकेज होता है जिसमें मजा आता है. नहीं, पेपर वन में मुझे कुछ ओलंपियाड बूस्टर टाइप्स तो नहीं लगा. बाकी चलो मैं एक बार पेपर टू करूंगा आज, फिर आपसे करूंगा डिटेल में डिस्कस. अच्छा, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, राइट? और उसमें मैंने आपको क्या आप समझाया था कि केवीपीवाई का पेपर वन में तो कोई नहीं था. मतलब एक क्वेश्चन था जो मतलब एक जनरली एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बट मतलब वो हो सकता है केवीपीवाई में भी कभी उसके जैसा कोई क्वेश्चन आया हो, शायद उस कारण से ना आपने कभी सुना हो. रिपीट कभी नहीं होता बच्चों, बट कोई ना कोई कंसेप्ट वैसा हो जाता है मतलब जो उससे मिलता जुलता होता है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. जैसे मतलब एक क्वेश्चन था और भी थे, मतलब एक तो मुझे पक्का याद है कि एक क्वेश्चन था कि जैसे वो आईआईटी 2006 में एक क्वेश्चन आया हुआ था बिल्कुल उसके जैसा था, अगर वो किया होगा तो इस बार वो भी सीधा हो जाएगा. मैं ना बच्चों आपका जल्दी रखूंगा, एक जो मैंने पहले आपको बोला था ना एडवांस्ड का एक सेशन रखूंगा कि एडवांस्ड का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्या करना है, मतलब आई विल हैव इट वेरी सून. उसमें मैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है एडवांस में. हाँ, नेक्स्ट टेस्ट से पहले पक्का. ऑलराइट, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या बात कर रहे थे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेसिकली हमें ये विजुअलाइज करना होता है कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, राइट? फिर से, कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो कितने सर्कल के रेडियस में घूम रहे हैं, हमें ये देखना होता है, ठीक है? वो किससे पता चलेगा? जब आपको बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियरली पता हो तो उस पे बहुत ध्यान रखना है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको रेडियस पता चल गया तो सारे पार्टिकल्स का मास इनटू रेडियस स्क्वायर करते जाना. तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों. ऐसे एक ट्राइंगल है, उसके एंड्स पे तीन मासेस रखे हुए हैं M1, M2, M3. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मैं अलग अलग केसेस बना रहा हूँ, सबके अबाउट निकालने की कोशिश करो.
यहाँ पे पॉइंट पी का तो कोई रोल ही नहीं है ना, जब मैंने एक्सेस आपको बता दी। बच्चों फिर से कैच पॉइंट क्या है, बस ये सोचो कि रेडियस क्या बन रहा होगा, है ना।
आंसर्स देख लो बच्चों। बी मैंने गलत कर दिया था बच्चों। हाँ तो ठीक कर लो।
बच्चों जिन जिनके हो गए प्लीज लिखते जाओ चैट में, डन। गुड। आदित्य अभी यहाँ पे हुए नहीं आपके? ठीक है, गुड। तो आई थिंक सबको क्लियरली आइडिया लग गया है ना। बेसिकली तो ओनली कैच पॉइंट इज ये देखना कि रेडियस कितना बन रहा है हर पार्टिकल का, है ना। अगर सीधा सोच लोगे कि mr² तो उससे पता नहीं चलता। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें रेडियस क्या लेना है ना, बस इतनी एक बात है, और तो कुछ है ही नहीं। एंड जस्ट इन केस 1% एकदम रेडियस का आइडिया ना लगे तो बस ये याद रखो कि रेडियस कौन सा लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इजन्ट इट। ओके, नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, जैसे हम मान लो सबसे पहले लेते हैं हम यूनिफॉर्म रॉड, अच्छा 1 मिनट, इससे पहले बेसिकली ये बन क्या जाएगा बच्चों? बेसिकली आप क्या करोगे, बॉडी को छोटे छोटे मासेस में ब्रेक करोगे डीएम, तो हर पार्टिकल का मास इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इजंट इट? तो जैसे लेट्स से एक, अब हम केस लेते हैं बच्चों यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक्सेस है ऐसे, राइट? तो रॉड का मास एम, लेंथ एल, ट्राई करो बच्चों। याद है ये भी करवाया हुआ है मैंने आपको, कब? 10th में, एंड में। बच्चों आप में से किसने अब सारी क्लासेस लगाई थी और किसकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है? मुझे नोट्स चाहिए उस टाइम के। अच्छा करण नूर के लिए तो फिर 1 पेज ही होगा, 1 पेज नोट 10th वाले। अच्छा करण तुमने टेस्ट में नहीं कभी ट्राई किया चीटिंग में करने के लिए पर्चियां बना के? अच्छा हाँ 10th वाले कह रहा हूँ मैं। विदुषी मेरे को भेजना वो नोट्स, ठीक है? वो इंटीग्रेशन के अंडर ही था, एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे ना इंटीग्रेशन में, टेकिंग एलिमेंट्स। कौन सी वाली असाइनमेंट कर रहे हो? वो जिसमें वो 5-6 सेक्शंस थे वो वाली कह रहे हो? हाँ वही क्वेश्चन थ्योरी। हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा।
ठीक है, मैं भेज दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, बच्चों जिन्होंने आंसर दिया, गुड। औरों का भी आना चाहिए, करो फटाफट। राइट जिनका ये हो गया बच्चों, आप अब एक्सिस को बीच में ले लो, मिड पॉइंट पे, उसके लिए निकालो। राइट, ये भी ठीक है।
तो फर्स्ट वाला केस कैसे करना है बच्चों, सारे दिन का नहीं हुआ प्लीज देख लो। देखो चाहे सेंटर ऑफ मास है चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज ऑल अबाउट कि रॉड के ऊपर छोटा सा पोर्शन कैसे लेना है। तो ये छोटा सा पोर्शन क्या है, ये dx लेंथ का, राइट? तो इसका मास क्या हो गया, m बाय एल डी एक्स, करेक्ट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, अब सोचो कि ये जो मास है ये कितने रेडियस में घूम रहा है। सेकेंड पार्ट में भी यही करना है, बस फर्क क्या है कि जो लिमिट्स हैं वो माइनस एल बाय टू से एल बाय टू हो जाएंगी, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट बीच में से शुरू होगा, राइट? सेकेंड केस बच्चों, मान लो रिंग है, ये एक्सिस बच्चों इस तरीके से है, मतलब क्रॉस का क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, मास एम। इस केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अच्छा इस केस में बताओ कि रिंग के यूनिफॉर्म होने से या नॉन यूनिफॉर्म होने से क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इस केस में तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सारे का सारा मास जो है वो आर रेडियस में घूम रहा है। बच्चों यहाँ पे एक होमवर्क में ट्राई करना क्वेश्चन, जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए किया था ना, लैम्डा मान लो ए प्लस बी एक्स, और फिर आई ढूंढो, ठीक है? मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म हो गई रॉड, यही लेफ्ट वाला केस, मतलब एक्सिस जो है वो एंड पॉइंट पे है। नेक्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म डिस्क,
एक्सिस सेंटर पे, मास एम रेडियस आर, इसके लिए निकाल के देखो क्या बनता है। गुड़साही लिए क्या लिखा है? यार क्या आंसर लिख रहे हो? गुड़साहिल सिद्धार्थ, डायमेंशनली तो देखो। आशीष ठीक है, गुड। जिसका डिस्क हो गया वो अगला करो। सिद्धार्थ ठीक है, गुरसाहिल ठीक है, हर्ष कौशिक गलत है। वरुण ठीक है, निष्ठा ठीक है, अनुराग
जसकीत ठीक है। हाँ श्रिया गलत है, वरुण आपका वो होलोस्फीयर वाला गलत अजत्य ठीक है। सिद्धार्थ गलत है। नहीं आशीष गलत है। अच्छा हर्ष ठीक है, वो आपने ना 3 लिखा हुआ था, मैंने उसको 3/2 mr² पढ़ लिया। ठीक है आपका। आपने वो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, मैंने उसको उसके साथ ही पढ़ लिया।
तनवीर ठीक है। अच्छा ये ना नोट कर लो, ये मतलब मैं अगली क्लास में आपको सारे ड्राइव कराऊंगा अगर नहीं हुए, ठीक है? घर पे ट्राई करना अच्छे से। नहीं तनवीर फोर्थ गलत है। ये आपने पार्ट टू किसका लिखा है, रिंग का? मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है? डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय टू आएगा, हॉलोस्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर आएगा, सॉलिड का ये आएगा। ठीक है, प्लीज डिराइव दीज वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, और जो मतलब लिखे हैं ये सारे याद भी रखने हैं हमें। नेक्स्ट बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये तो हमें समझ आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हर एक्सिस के अबाउट अलग है, राइट? तो उसके लिए मतलब अब हर एक्सिस के अबाउट तो हम वैल्यूज याद नहीं रख सकते, तो वी हैव टू थ्योरम्स जिससे हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे फर्स्ट बीइंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो बच्चों ये थ्योरम क्या कहती है। लेट अस से ये मेरे पास ऐसे कोई प्लेनर बॉडी है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब इट इज लाइक अ शीट, ये 3D में नहीं हो सकती बॉडी। अब मान लो मैं किसी पॉइंट पी पे ये तीन एक्सिस दिखा दी मैंने, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है? वेयर जेड इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन। अब बच्चों मान लो मैं कोई भी एक रैंडम पार्टिकल लेता हूं जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर हमने बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पता है क्या करना होता है, सारे पार्टिकल्स का मास इनटू उनके रेडियस का सम करना होता है। थिंक एंड टेल मी, अगर मुझे आई एक्स निकालना है तो
आईएक्स के अंदर क्या समेशन बनेगी, एम आई इंटू डिस्टेंस क्या आएगा? ध्यान से देखो, एक्स आई आएगा, वाई आई आएगा या कुछ और आएगा? ध्यान से देख के बताओ, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो पार्टिकल कितने रेडियस में घूम रहा है? तीन आंसर आया मेरे पास अभी तक, बाकी लोग वाया ही होगा। इट एक्स एक्सिस के अबाउट तो वो पार्टिकल वाया ही रेडियस में घूम रहा है ना। सिमिलरली व्हाट विल बी आई वाई समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर? करेक्ट। एंड व्हाट विल बी आई जेड बताओ बच्चों, आई जेड में क्या आएगा, कौन सी समेशन आएगी? जेड एक्सिस से उस पार्टिकल का क्या डिस्टेंस है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। हाँ, मतलब डिस्टेंस में रूट आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो नहीं आएगा, है ना। क्या ये सबको समझ आ गया? तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया बच्चों? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ना हमने, तो बच्चों इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए जो ध्यान रखना है, जहां गलती करोगे आप, सबसे पहले क्या है, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए। दूसरा, एक्स वाई जिनका मतलब आप ऐड कर रहे हो, शुड लाई इन प्लेन ऑफ बॉडी।
एंड जेड शुड लाई आउट ऑफ प्लेन. मतलब ये नहीं याद रखना कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, ये याद रखना है कि बॉडी के प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस का सम इज इक्वल टू एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, एक्स वाई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एक्स वाई जेड जो है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. क्या बात समझ आ रही है बच्चों? ओके इससे बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखो कैसे बन सकते हैं. मान लो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड एल, मैं दो एक्सेस बना रहा हूँ, एक्सेस वन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द साइड, एक ऐसे बना देते हैं चलो दिस इज एक्सेस टू, और एक ये बना दी तीसरी डायगनल के अलोंग. सेम प्लेन में है तीनों, ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है. फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आई वन आई टू आई थ्री. फिर से बच्चों आई थ्री मैंने आउट ऑफ प्लेन नहीं बोला, इन द प्लेन बोला है. हर्ष गलत है, आराम से करो.
हाँ सब ठीक है। नहीं तनवीर ऐसे नहीं, मतलब आपको I1 I2 I3 में रिलेशन बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इस तरह से। ठीक है वरुण सिद्धार्थ, ठीक है गुड। सबको ये तो एकदम पता चल गया होगा कि I1 इक्वल टू I2 है ना। अब उसको बस 3 से करो कंपेयर। तो बच्चों देखो हमें ये तो समझ आ गया था कि I1 इज इक्वल टू I2। व्हाट इज I1 प्लस I2? मतलब 2 I1 इज इक्वल टू IZ। राइट नाउ रिक्वायर्ड नहीं है बट एक खुद से बना लो एक्सेस 4। I3 इक्वल टू I4 होगा। Isn't अब व्हाट इज I3 प्लस I4?
वो भी आई जेड का इक्वल है। हाँ बच्चों समझ आई है कि नहीं? देखो लोगों को समझ आया? ओके ठीक है। तो ये तो मैंने निकाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। एक तरीका ऑफ कोर्स हो सकता है कि प्रॉपर इंटीग्रेट करके निकालें, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। आप सोचो और कैसे फिजिकली, मतलब विदाउट यूजिंग दिस थ्योरम, क्या हम ये निकाल सकते हैं समहाउ कि I1 और I3 इक्वल होंगे? ठीक है, ये एक बार घर पे सोचना, मतलब इट विल गिव यू अ मोर फिजिकल सेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिया हुआ था, वो लैम्डा वाला है ना, और होमवर्क मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, हो जाएंगे क्वेश्चंस कई सारे, मैं आपको भेज रहा हूँ कि क्या करना है होमवर्क। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।